आप लोगों को बधाई देता हूं इस मौके पर। ज्योति मिर्जा जी ने भाषण दिया, आपकी सांसद रह चुकी हैं, आपके बीच में काम किया। ये चुनाव राजस्थान के साथ पूरे देश में चुनाव हो रहा है और मुझे खुशी है कि दीपेंद्र हुड्डा साहब ने अच्छी तरह से आप लोगों को बताया कि भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, क्या करती है। इतिहास गवाह है, 5 साल पहले जब मौका दिया था मोदी साहब को तो इस देश में कहा था निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, नक्सलवाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और हुड्डा साहब ने कहा कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालने का वादा मोदी जी ने किया था। ये 5 साल निकल गए, एक भी ऐसा वर्ग हो, एक भी ऐसा क्षेत्र हो जहां पे हमारे भाजपा के साथी कह सके कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, किया वो जो उनको राजनीतिक रूप से पसंद था। ध्रुवीकरण करो, समाज में टकराव पैदा करो, देश के अंदर ऐसा माहौल निर्मित किया कि हम लोगों ने जिन संस्थाओं को निर्माण कर यहां तक पहुंचाया था उन सभी संस्थानों को खोखला करने का काम किया। हमारे गणतंत्र में, लोकतंत्र में पार्टियां आई हैं, चली गई, सरकारें बनती है, बिगड़ जाती। जमहूरियत में, लोकतंत्र में जिन संस्थाओं पर हमको फख्र, उनको चुन चुन कर कमजोर करने का काम किया है। जनता पार्टी को सवाल पूछ ले, कोई चुनौती दे सकते कि आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है इस देश में, तो कहते कि आप देशद्रोही हो, आप देशद्रोही हो। नौजवान के लिए रोजगार कहां है देश में, तो पाकिस्तान चले जाओ। और कुछ कहना नहीं आता, कुछ किसकी कौन सी जाति है। योगी आदित्य सजा मिली है निर्वाचन आयोग से कि 3 दिन तक रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा है आपके बोल ठीक नहीं है, आपकी बोली ठीक नहीं है। राजस्थान आए थे योगी साहब खूब प्रचार करने के लिए, मैं लड़ रहा था टोंक से चुनाव, तो योगी जी खूब घूमे राजस्थान भर में, मैं रोज देखता था। मैंने चुनौती दी योगी जी को, मैंने कहा हर जगह चले गए लेकिन टोंक में आपके बड़े नेता यूनुस खान साहब चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, उनके लिए वोट मांगने क्यों नहीं आ रहे। तो योगी जी टोंक नहीं आए, मोदी जी भी टोंक नहीं आए, लेकिन सरकार बनने के बाद पहला जिला जहां नरेंद्र मोदी जी आए हमारे टोंक जिले में आए, ये लंबे लंबे भाषण दे के चले गए, हमेशा की तरह जुमले लटका के और बैठ हेलीकॉप्टर में चल दिए। राजस्थान की जनता को 5 साल से केंद्र सरकार ने क्या दिया है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारी सरकार थी, अनेकों मंत्री हम लोग काम करते थे दिल्ली में, हमारी सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी, जितना बजट मांगा, जितना पैसा मांगा, जिस योजना पे हाथ लगा दिया वही राजस्थान में यहां पर आई थी, क्योंकि आपका नेतृत्व करने वाली सांसद, हमारी प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार के लोगों के दिलों के अंदर किसान के दुख दर्द को पहचानने की ख्वाहिश थी। जिन लोगों को मालूम नहीं है कि किसान पे क्या बीतती है, फसल कब कटेगी, पानी कब देना है, बीज कितने का है, बिजली कितने की है, इन लोगों को कोई लेना देना किसान से नहीं है। और मोदी जी ने घोषणा करी कि हम किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए देंगे, वो भी तब करी जब राहुल गांधी जी ने कहा मैं किसान को प्रति महीने 6,000 रुपए दूंगा गरीब व्यक्ति को, 20% गरीब परिवार के लोगों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेगा। ये चुनाव इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति मिर्जा जी को आप जिताकर भेजोगे तो प्रदेश की सरकार जो आपके बीच में काम कर रही थी 3 महीने से, मैं आपको आश्वासित करता हूं भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल शासन किया, घमंड और अहंकार की सरकार वसुंधरा जी ने चलाई और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह भाजपा का सफाया हुआ, कांग्रेस पार्टी का शासन बनाया 3 राज्यों में। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, नागौर जिले के लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और नागौर के लोगों को बताना चाहता हूं कि जयपुर में बैठी सरकार आपकी सरकार है, जैसा काम चाहोगे, जितना काम चाहोगे, राजस्थान की सरकार नागौर जिले को कभी नीचा नहीं देखने देगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन करके जाता हूं। अभी साथियों, भाजपा के हमारे नेतागण आज वसुंधरा जी को तो भेज दिया राजस्थान के बाहर, अब प्रदेश में नेता होगा कौन है हमें मालूम नहीं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, टिकट किसको देना है नहीं देना है।
इतना विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और अफवाहें क्या फैलाते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कि सचिन पायलट की अशोक गहलोत जी से नहीं बनती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार और राजस्थान का कांग्रेस का संगठन, हम दोनों मिलकर राजस्थान की उन्नति बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी मजबूती और एकता की वजह से जनता ने हमको पहले भी आशीर्वाद दिया था और हम मिशन 25 को पूरा करके मानेंगे। अभी हुडा साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है और आप सोचो कितनी गंभीरता से इस बात को बोला है कि रोहतक में तुलना करनी हो तो उन्हें मंजूर है कि रोहतक से कम वोट से जीते हैं लेकिन नागौर से ज्यादा। लेकिन हुडा साहब आप चिंता मत करो, ज्यादा कम भी तो पता नहीं, लेकिन नागौर से और दोनों जगह लाखों वोट से जिताकर भेजेंगे हमारे उम्मीदवारों को, दोनों दीपेंद्र जी को भी और ज्योति जी को भी। इसलिए ये 36 कांग्रेस चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हर किसान वर्ग को, समाज के हर तबके को मान सम्मान दिया है और कांग्रेस के नेताओं ने नाथुराम मिर्धा जी से लेकर आज तक जितने हुए राजस्थान में किसी जाति बिरादरी के हों, उन नेता तपस्या बलिदान का ये परिणाम है कि आज कांग्रेस बहुत मजबूत है। और वो लोग जो नारा देते हैं कि कांग्रेस मुक्त करा देंगे, मैं बताना चाहता हूं कि 130 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने खून पसीना देकर नागौर राजस्थान को सींचा है। ये कांग्रेस कहीं जाने वाली नहीं है। हम चुनाव हारते हैं जीतते हैं लेकिन सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करते और ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। आज राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में मोदी जी को चुनौती दी है और मैं आपको विश्वास देकर बोलता हूं 23 मई को जब मतगणना होगी इस देश में नई सरकार बनेगी, एक नए प्रधानमंत्री बनेंगे और किसानों की आवाज को बुलंद करने वाले लोग इस देश में राज करेंगे। ऐसे लोग जो आपस में लड़वाते हैं, द्वेष की भावना पैदा करते हैं, समाज में जहर घोलते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं, राम और भगवान के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश बहुत पुराना है, 5000 साल का हमारा इतिहास है। हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में ये कहीं नहीं लिखा कि भाई को भाई से लड़ाना है, सबको साथ लेकर चले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इस लोकसभा चुनाव के बाद जब ज्योति जीत कर जाएंगी तो हम सबको पहले से ज्यादा जोड़कर रखेंगी, क्योंकि ये जरूरत है आज नागौर से पूरे राजस्थान के अंदर कि सबको जोड़ने का काम करो। भाजपा की सरकार ने बहुत तोड़ने का काम किया, 3 महीने से हमारा शासन बना है जयपुर में, हमने सिर्फ एक काम किया है, सबको जोड़कर चलो, सबको साथ लेकर चलो। कि जो समाज साथ नहीं रहता वो बिखर जाता है, जो प्रदेश और देश साथ नहीं रहता वो टूट जाता है। इसलिए जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि 6 मई को चुनाव होगा, हाथ के निशान पर बटन दबाना है। आप लोग भली बात ही जानते हो, कांग्रेस पहचान रही नागौर की, इसलिए भारी बहुमत देकर ज्योति जी को जिताना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जन राम राम साहब। अपना उद्बोधन